पार्ट 3 में हम देख चुके हैं। स्विमिंग की वायरल वीडियो सीनियर ने भी देखी थी, इसलिए वो एडवर्टाइजिंग की शूटिंग के लिए वुल्फ का नाम एज ए मॉडल रिकमेंड करता है। पर जिमिंग को देख अंकल टेंशन में आ जाते हैं। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट अबाउट 4 से पहले पार्ट 3 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 4 में हम देखते हैं, अंकल कहता है वुल्फ हमारा मॉडल नहीं बन सकता क्योंकि हो सकता है इससे हमारी कंपनी को ज्यादा फायदा ना हो। पर ग्रैंडपा और वाइस प्रेसिडेंट वुल्फ को एक मौका देने को बोल रहे थे, तो सीनियर ये गुड न्यूज उन दोनों को बताता है, तो मिमी बहुत खुश होती है। वहाँ जिमिंग को देख अंकल वाइस प्रेसिडेंट को वहाँ जाने से रोक देता है। जिमिंग के कहने पे वो उसकी फोटोकॉपी करने में हेल्प कर देता है, पर जिमिंग अंकल को भी नहीं पहचानता। सीनियर और मिमी को क्लोज होते देख जिमिंग को अच्छा नहीं लग रहा था। हमें पता चलता है कि सीनियर को कंपनी में अंकल ही लेकर आया था। फिर वो उसे कहता है कुछ भी हो जाए कंपनी में सबको जिमिंग का नेम वुल्फ ही बताना। वाइस प्रेसिडेंट की डायरी नीचे गिर गई थी, तो जिमिंग उनकी डायरी देने भागता है, पर वो उसमें रखी अपने बचपन की फोटो नहीं देख पाता। जब वो वाइस प्रेसिडेंट को डायरी वापस करता है तो वो गले लगाकर उसका थैंक यू करती है और फिर उसका पसीना साफ करने लगती है। पर तभी मिमी का कॉल आते ही वो वहाँ से चला जाता है। फिर जिमिंग डैड को बताता है, जब भी मैं मिमी और सीनियर को साथ में देखता हूँ तो मुझे बहुत भारी सा फील होता है। तो डैड उसे बताते हैं, जरूर तुझे फर्स्ट लव हो गया है। नेक्स्ट डे डैड की चोट लग गई थी, तो जिमिंग और वुल्फ डैड डैड के लिए वुल्फ माउंटेन से हर्ब्स लेकर आते हैं। पर उसके खुद के भी चोट लग गई थी जो वो मिमी से छुपा रहा था, लेकिन मिमी को तो पता था, तो वो उसकी मेडिसिन लगाती है और कहती है तुम्हें खुद की भी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। फिर वो सब शूटिंग के लिए जाने वाले थे, तभी अंकल को देख जिमिंग कहता है मैंने तुम्हें पहचान लिया। अंकल डर गए थे, पर वो कहता है आप वही हो ना जिसने फोटोकॉपी में मेरी हेल्प की थी। मिमी और सीनियर को साथ में देख जिमिंग सैड था, तो शैन और उसका साथी उसे लव हार्मोन्स के बारे में बताने लगते हैं। को आइसक्रीम देने के बाद जब मिमी स्पेशली जिमिंग को आइसक्रीम देती है, पर जिमिंग और मिमी को साथ में देख सीनियर सैड होता है। रात में वो सब गाना गा रहे थे, फिर जिमिंग मिमी का फेवरेट सॉन्ग गाता है। जियांग और किकी मिमी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। जब मिमी जिमिंग की साइकिलिंग करते हुए फोटोशूट कर रही थी, तो उन दोनों को क्लोज होते देख सीनियर जिमिंग को कहता है क्यों ना हम दोनों रेस करें। तो जिमिंग भी एक्सेप्ट कर लेता है। किकी कहती है ये क्या कर रहे हैं। शैन कहता है तेरी सिस्टर के लिए फाइटिंग होने जा रही है। और फिर दोनों लव राइवल में रेस स्टार्ट होती है। दोनों ही बराबरी पर थे, पर फिर हैंडशेक कर स्माइल करते हैं। अंकल उन्हें देख कहते हैं लगता है इनकी किस्मत में ही एक दूसरे से कम्पीट करना लिखा है। जिमिंग को देख शैन और उसका साथी जानबूझ के फीमेल बात को मेल बात वाला साइन बोर्ड लगा देते हैं। बेचारा भोला वाला जिमिंग फीमेल बात में ही चला जाता है। जहाँ पे मिमी थी तो वो उसे देखने लगता है, पर मिमी उसे देख छिपने लगती है और उसे मुंह फेरने को कहती है। तो वो कहता है तुम बहुत प्रिटी लग रही थी। वो कहती है तुम्हें नहीं पता लड़कियाँ सिर्फ अपने लवर को ही अपनी बॉडी दिखाती हैं। तो वो कहता है मैं तो तुम्हें ऑलरेडी लाइक करता हूँ, क्या तुम मुझे नहीं करती। वो कहती है करती हूँ पर उस वे से नहीं। तभी किकी वहाँ आ जाती है, पर मिमी बेहोश होने लगी थी, तो वो दोनों उसे रूम में ले आते हैं। पर किकी जिमिंग को कहती है मिमी बचपन से ही वीक है, पर तुम्हारी वजह से उसे पानी में छुपना पड़ा और वो बीमार हो गई। पर मिमी उसे चुप करा देती है। सीनियर मिमी के लिए मेडिसिन ले आता है, तो जिमिंग सीनियर से पूछता है तुम्हें पता था कि मिमी वीक है। वो कहता है क्यों तुझको नहीं पता था। अंकल जिमिंग से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगा था, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। साइकिल चलाते चलाते अंकल गिर गया था और उसके पैरों में चोट लग गई थी, तो जिमिंग उसे कंधे पे टांग कर ले जाने लगता है। तो अंकल सोचता है बचपन में मैं इसे कंधे पे टांगता था, आज ही मुझे जिमिंग कितना बड़ा हो गया है। तभी उन दोनों को सीनियर और मिमी देख लेते हैं। अंकल की हेल्प करने पे ग्रैंडपा और वाइस प्रेसिडेंट वुल्फ का थैंक यू करते हैं और उसे लंच के लिए इनवाइट कर देते हैं। इधर किकी के छोटी सी चोट लगने पे जियांग उसकी केयर करने लगता है। जिमिंग अपनी फर्स्ट सैलरी लेकर बहुत खुश होता है, तो वो उसे चुप कराती है। वो कहता है मैं अपनी फर्स्ट सैलरी से सबके लिए गिफ्ट बाय करूंगा। और फिर मिमी का थैंक यू करता है और सोचता है मुझे पता चल गया कि मिमी ही मेरा फर्स्ट लव है। वो देखता है कि मिमी को म्यूजिक कपल बॉक्स अच्छा लग रहा है। घर आते ही जब मॉम को पता चलता है कि मिमी बेहोश हो गई थी, तो वो उसकी बहुत चिंता करती है।
पर किकी अपनी चोट छुपा लेती है। इनफैक्ट वो थोड़ा सैड थी। मिमी की फोटोग्राफरी से और जिमिंग के टैलेंट से कुछ ही दिनों में जिमिंग बहुत फेमस सेलिब्रिटी बन गया था और कंपनी को भी बहुत प्रॉफिट हो रहा था। जिमिंग को हर गेम में परफेक्ट देख मिमी कहती है, कहीं इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स तो नहीं। पर मिमी को टेनिस खेलना नहीं आ रहा था तो जिमिंग उसे टेनिस खेलना सिखाता है, पर वो उसके करीब होने से नर्वस हो रही थी। सीनियर उन दोनों को साथ में देख लेता है। फिर अंकल जिमिंग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसी को भी वुल्फ की रियल आइडेंटिटी लीक नहीं होनी चाहिए, यानी वो सिर्फ अब वुल्फ नाम से ही जाना चाहेगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे उसे कंपनसेट करना पड़ेगा। तो मिमी के कहने पे जिमिंग भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कर देता है। ये सब पता चलते ही शैन कहता है, अब तो जिमिंग लग्जरी हाउस में रहेगा, हम जैसे उसे मिलने कहाँ आएगा। पर वो कहता है, फ्यूचर में मैं सेलिब्रिटी बनू या ना बनू, यही मेरा घर होगा और तुम सब मेरी फैमिली रहोगे। तो वो सब खुश होते हैं। नेक्स्ट डे वुल्फ के कंसर्ट में बहुत सारे लोग आए थे जो उसके फैन हैं, पर जिमिंग थोड़ा अजीब फील कर रहा था। मिमी को जिमिंग के करीब होना सही नहीं लगता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है, पर वुल्फ उसे साथ चलने को कहता है। सीनियर उसे अपने साथ ले जाने लगा था, पर वुल्फ उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ उठा कर ले जाता है, जिससे सीनियर सैड होता है। पर वुल्फ मिमी का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था, तो मिमी सोचती है जिमिंग अब सेलिब्रिटी बन गया है, उसे नहीं पता कि उसे मुझसे दूर रहना चाहिए, पर मुझे तो पता है ना। फिर लंच के लिए वो वुल्फ के साथ बैठने के बजाय जानबूझकर सीनियर के पास जाकर बैठ जाती है, जिससे वुल्फ सैड होता है। अंकल ने वुल्फ के लिए बॉडीगार्ड्स रख लिए थे जो उस पे 2400 घंटे नजर रखेंगे। फिर अंकल सीनियर को कहता है, तू मिमी को लाइक करता है ना, तो वुल्फ तेरा राइवल है और राइवल के साथ प्यार से पेश नहीं आना चाहिए। मिमी जिमिंग से दूर रहने की कोशिश कर रही थी, इसलिए जिमिंग सैड था और कहता है, मैं सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता। किकी कहती है, पर अब तो तुम्हारे इतने फैन हैं, मिमी तुम्हारे साथ ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। वो कहता है, फर्क पड़ता है, मिमी मेरा लव है। पर मिमी ये सब सुन लेती है और फिर उसे कहती है, तुम्हें पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर उसके पूछने पे कहती है, मैंने कुछ टाइम के लिए तुम्हारा दिया नेकलेस उतार दिया है, खोया नहीं है। नेक्स्ट डे वुल्फ मेकअप नहीं करवा रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिमी के अलावा कोई और लड़की उसे टच भी करे। वुल्फ की शूटिंग चल रही थी पर सीनियर मिमी को बाहर बुला लेता है और स्कूल रीयूनियन के बारे में बताता है। तो वो कहती है, सुना है वहाँ लूसी भी आ रही है जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया था, पर वो उसे चुप करा देता है। तभी वहाँ जिमिंग आ जाता है पर मिमी उसे अकेले ही घर जाने को बोल देती है। जिमिंग को सैड देख जियांग कहता है, चिंता मत कर, मैं तुझे लव के बारे में सब कुछ सिखा दूंगा, और फिर उसे रोमांस ड्रामा देखने का आइडिया देता है। फिर तो जिमिंग पूरी रात जाकर रोमांस देखता है पर मिमी को देख छुपा लेता है, पर मिमी चलाकी से देखने वाली थी तो वो उसकी आंखों पर हाथ रख देता है। मिमी को इतना क्लोज देख वो उसे किस कर देता है। मिमी पहले तो हैरान थी पर फिर तो वो भी किस को एंजॉय करने लगती है, लेकिन होश में आते ही गुड नाइट बोलकर भाग जाती है। इसके कारण मिमी और जिमिंग दोनों की ही रातों की नींद उड़ गई थी। नेक्स्ट डे वो उसे देखकर अजीब रिएक्ट कर रही थी। मिमी स्कूल रियूनियन में चली गई थी तो जिमिंग भी बॉडीगार्ड्स को धोखा देकर खुद वहाँ जाने लगता है। स्कूल रियूनियन में लूसी भी थी जिसे लगता है कि सीनियर ने मिमी की वजह से उसे रिजेक्ट किया था, इसलिए वो मिमी की ड्रेस पर ड्रिंक गिरा देती है। वुल्फ ये देख लेता है और मिमी के मना करने के बाद भी लूसी को वार्निंग दे देता है और मिमी को अपने साथ ले जाता है। मिमी उससे दूर होती है पर वो उसे रोक के कहता है, तुम्हें मुझे इग्नोर करने की इजाजत नहीं है, क्या तुम मुझे कल वाली किसकी वजह से इग्नोर कर रही हो। पर वो उसे खुद से दूर रहने को बोलकर चली जाती है। मिमी की ऐसी हालत देख फैमिली वाले भी चिंता में थे। जिमिंग बेचारा रोड पे सैड बैठा था। किकी देखती है कि मिमी को तो हाई फीवर हो गया और फिर जिमिंग को भी उसके फीवर का पता चल जाता है और इसी के साथ पार्ट 4 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।